पहले मुझे लगता था ये पैसों का बर्बादी है, अभी वैसा नहीं लगता है। इन्वेस्ट करेगी तो ही आ जाएगा ना पैसे, फ्री में थोड़ी कुछ होने वाला है। तो वो सही है, सरदार वल्लभ पटेल ने सही काम किया नरेंद्र भाई ने। इसके पहले कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन भाव दे रहा था, सब गांधी गांधी ही कर रहे थे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो। क्या नाम है आपका? अरविंद सनस। पूनम सनस। मैं रमेश हूँ। राजेंद्र। मेरा नाम मेहुल रबारी है। पिछले साल जब मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था, उन्होंने ये बताया था कि आगे चलकर जो भारत है वो टूरिज्म मामले में बहुत आगे बढ़ जाएगा, क्या लगता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बढ़ेगा आगे बढ़ेगा? नहीं, पहले मुझे लगता था ये पैसों का बर्बादी है, अभी वैसा नहीं लगता है। एकदम सही बात है, यहाँ के लोग भी वहाँ जाएंगे, थोड़ा फैमिली के साथ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, बाहर के लोग भी आ जाएंगे, वो हिसाब से डॉलर आ जाएगा, सब मजा हो जाएगा। अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको वेटिंग में रखना पड़ेगा, पहले से आप एडवांस में बुकिंग करवाओगे तब आपको वहाँ पे वो क्या टिकट मिलेगा, वहाँ पे रहने के लिए भी सुविधा है, सब कुछ है, और अभी भी और भी बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। वहाँ रहने की सुविधा बहुत अच्छी है, और जो इंटरनेशनल लेवल है अपना नाम बनाया वो गुजरात और इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। ये निर्माण हो रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन से पहले जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं वो आके कह रहे थे ये बहुत ही पैसे वेस्ट है, लेकिन अभी वो ताजमहल से कंपैरिजन कर रहे थे। और मैं बता दूं आपको, ताजमहल एक साल में 25 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक साल में 3 गुना ज्यादा कमा लिया उस पे, तो इस पे क्या कहेंगे? तो अभी क्या बोलते, वही जो मैंने आपको बोल दिया, अभी आपने आंकड़े में बोल दिया, हमने तो एक्सपीरियंस से बोल दिया, बस यही फर्क है। देखिए, सब लोगों का अलग अलग मंतव्य होता है, कुछ लोग हम यहाँ पे किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो सरदार साहब ने हमारे लिए किया है, एक एक देश एक भारत सशक्त भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कुछ लोगों का कहना था, जो इकोनॉमिस्ट थे या लिबरल लोग थे, उनका कहना था कि स्टैच्यू पर पैसे वेस्ट करके ये बस वेस्ट ऑफ मनी है, इसके बदले स्कूल बनवा दो, हॉस्पिटल बना दो, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो स्कूल भी चलेगा, कॉलेज भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर स्टैचू बन गया तो मेमोरी के लिए सब दिन के लिए रह जाएगा। बिना इन्वेस्ट के कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये अभी वो लोग ने वो टाइम पे ये इतनी बड़ी चीज़ बनाई तो इन्वेस्ट ही किया था, आज करोड़ों मिल रहे हैं ना, करोड़ों रुपए उसके इसमें, तो पैसे तो डालने ही पड़ेंगे, इन्वेस्ट कर, बिना इन्वेस्ट के कुछ होने वाला है नहीं। क्या लगता है, अगर ऐसे ही 3-4 स्टैचू और बन जाएंगे, लाइक शिवाजी की स्टैचू बनी, अभी राम जी की स्टैचू बनने वाला अयोध्या में, 3 जो प्रमुख स्टैचू है, 18 तारीख को फाइनली हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, और बढ़िया मंदिर बनेगा, और वो भी मोदी जी के लिए खास एकदम अहम हो जाएगा, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है उस हिसाब से अयोध्या का मंदिर भी बहुत बढ़िया बनेगा। जो हमारे पिछले लोगों ने जो किया है वो चीज़ भी सबके सामने उजागर होना चाहिए। इसके पहले कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन भाव दे रहा था, सब गांधी गांधी ही कर रहे थे, है ना। तो वो सब अभी लोगों को मालूम पड़ा कि उन्होंने आज़ादी के पहले इंडिया को कैसा इक्वल किया, ये सब बच्चे लोग जानेंगे तो सब आगे बढ़ेगा ना। ऐसा नहीं है, सब लोगों की अलग अलग मान्यता है, और जो भी लोग का स्टेचू बनाते वो कोई आम आदमी तो थे नहीं, जो महान हस्ती थे, भगवान राम भी, अभी वो अयोध्या वाला चल रहा है, योगी जी है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में शिवाजी का बहुत बड़ा स्टेचू अभी बना, मेरे को पता नहीं बना है कि नहीं बना है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर हम लोग का उड़ीसा में भी अगर बन जाता बीजू पटनायक का स्टैचू तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। इंडिया के अंदर इतने वैरायटी में लोग हुए हैं, सबका अलग अलग है, तो सबका अलग अलग गुण सबको निखारने में आ जाएगा ना, खाली सब गांधी ने ही किया, सब नेहरू ने ही किया, इतने तक सीमित नहीं रहना, दायरा बढ़ाना चाहिए ना। बेईमानी और भ्रष्टाचार दिखाने वाले तो वही उंगली उठाते हैं, बाकी जो सही आदमी कोई उंगली नहीं उठाता है, वो तो मोदी को चाहते ही है पूरा। जो रेलवे का बनाया है, मतलब शिवाजी का बना तुम बोल रहे हैं, तो ऐसे नरेंद्र मोदी के सोच में, अपने अंदर की सोच में बचा हुआ है कि क्या क्या कुछ करना चाहिए, पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी और घूमने के लिए एंजॉयमेंट प्लेस मिलेगा। क्या लगता है आने वाले समय में जो लंदन टावर है, जो बहुत मशहूर है, बहुत शानदार है, उसको पीछे छोड़ देगा? लंदन सब पीछे है, अभी आज इंडिया सबसे आगे बढ़ने वाला है, इंडिया को जहाँ भी मोदी गए हैं, तो जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पे इंडिया का नाम ही हुआ है। हाँ, सच में छोड़ देगा, आप एक बार जाओ, मुलाकात लो, आपको भी अच्छा लगेगा, वहाँ पे सब अभी डेवलप हो रहा है, नो डाउट आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बहुत अच्छा है, घूमने लायक है। मोदी जी जब स्टैचू का निर्माण कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे महान पुरुष हैं, अगर उनका स्टैचू हम बनाते तो देश विश्व के अन्य अन्य लोग जो हैं, जो नहीं जानते, वो भी इंडिया के बारे में जानेंगे, यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में जानेंगे। तो पूरा वर्ल्ड जानता है, ऐसा कोई देश नहीं हो जो इंडिया को नहीं जानता है, पहले लोग इंडिया को नहीं जानते थे, अभी आज मोदी जी आने के बाद पूरा देश इंडिया को जानता है। और